तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया? तो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे मार सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल मैप। तो पहले ये देखते हैं कि एसक्यूएल मैप है क्या। ये जो एसक्यूएल मैप है, ये एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है काली लिनक्स के अंदर, जो सब इंजेक्शन मारता है अपने आप, चाहे वो एरर बेस्ड हो, टाइम बेस्ड हो, यूनियन बेस्ड हो। ये हर तरह की इंजेक्शन ही अपना मार लेगा। ये ऑटोमेटिक टूल है, हमें इसके अंदर सिर्फ एक यूआरएल पेस्ट करना और कुछ नहीं, और सिर्फ एंटर एंटर दबाना, बाकी कुछ नहीं है, सारा बाकी काम अपना आप कर लेगा। तो गाइस, एसक्यूएल मैप यूज करने के लिए पहले हम टर्मिनल खोलते हैं। अगर आपको एसक्यूएल मैप के बारे में ब्रीफ चाहिए कि एसक्यूएल मैप है क्या, तो आप इसका मैनुअल पढ़ सकते हैं। मैनुअल पढ़ने के लिए लिखेंगे मैन और लिखेंगे एसक्यूएल मैप। गाइस, अगर आपको खाली लिनक्स में कोई भी एक ऐसी ऐप है जो आपको यूज नहीं करने आती, तो आप मैनुअल पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ पहले मैन लिखना है और उस ऐप का नाम। तो बस यहाँ पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। वी से हमारा वर्जन आ जाता है, URL, लॉग प्रोफाइल, रिक्वेस्ट, Google.in। Google.in के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूं कि Google.in होता क्या है। तो गाइस, आप यहाँ से सब पूरी मैनुअल पढ़ सकते हैं, काफी लंबी मैनुअल है। इसके ऊपर हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो सीधा एग्जिट मार के हम एसक्यूएल इंजेक्शन मारते हैं। हम एसक्यूएल इंजेक्शन मारेंगे अपनी टेस्टिंग वेबसाइट पर, जो है test.php vulnweb। एक बार बस ये मेरा ब्राउजर ओपन हो जाए। जब हम डेटा डंप करेंगे, मैं आपको बता दूंगा जो भी मैं क्वेरी यूज करूंगा। PHP ओपन करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। गाइस, हमने यूनियन बेस्ड मारा था कैटेगरीज पे, आज हम आर्टिस्ट के ऊपर मार के देखते हैं यहाँ से डाटा। गाइस, हमारा ये गेट पैरामीटर है। एक और बात गाइस, कि जो भी एसक्यूएल मैप इंजेक्शन मारेगा, वो सिर्फ गेट पैरामीटर पे मारेगा, पोस्ट पैरामीटर पे एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं मारेगा। इंजेक्शन नहीं मारता, सिर्फ गेट पैरामीटर पे ये इंजेक्शन मारेगा। इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, अपने एसक्यूएल मैप से आते हैं, एसक्यूएल मैप लिखते हैं, स्पेस डाल के -u small u, स्मॉल यू का मतलब URL, डबल कोट्स में अपना URL पेस्ट कर देंगे, डबल कोट्स क्लोज, -- dbs, dbs से जितने भी डेटाबेस है सारे एन्यूमरेट कर देगा। एन्यूमरेट मीन्स लिस्टिंग कर देगा सभी डेटाबेसेस की। फास्ट ये रन हो रहा है। यहाँ पे इसने हमको दो दिए, एक एक्यूआर टेक इन्फॉर्मेशन स्कीमा, सब स्कीमा इन्फॉर्मेशन स्कीमा एक्यूआर। अब हम वापस से वही लिखेंगे, इस बार हम कैपिटल डी देंगे, क्योंकि हमें अपने डेटाबेस का नाम पता है, एक्यूआर। अब इसके अंदर से टेबल्स एन्यूमरेट करने के लिए -- टेबल्स लिख देंगे। गाइस, इसने हमें टेबल्स दी आर्टिस्ट, कार्ड्स, कैटेगरीज, फीचर्ड, गेस्ट बुक, पिक्चर, प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स की। हमें जो भी डेटा चाहिए वो हमें यूजर्स की टेबल से मिल जाएगा, और हमें किसी टेबल को छेड़ना ही नहीं है। तो गाइस, वही करते हैं, हमें टेबल का नाम भी पता चल गया, कैपिटल टी दे देंगे, यूजर्स लिख देंगे। अब इसके अंदर कॉलम देखेंगे कौन कौन सा है। कॉलम, इसने हमें कॉलम्स के दे दिए, एड्रेस कार्ड, CC, ईमेल्स, नेम, पासवर्ड, गाइस पासवर्ड, फोन एंड यूनेम, यूजर नेम गाइस। तो हम अब ये सब चीजें डंप करेंगे।
कैसे करेंगे? कैपिटल सी पी से टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेस देके यूजर्स देंगे हाइफन हाइफन डम, डम से ही हमारी जितने भी उस टेबल में चीज होगी वो सारी निकाल लेगा। देखते हैं, एंटर 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 एंटर। इसने देखी गाइस, इसने हमारा आई थिंक हमारे उसमें कोई हैश है, ये उस हैश को क्रैक कर देगा। एसक्यूएल मैप का ये भी एक एडवांटेज है, अगर कोई भी चीज़ हैश में कन्वर्ट है तो ये उसको उस हैश को क्रैक करके आपको प्लेन टेक्स्ट में शो कर देता है, आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ता। सॉरी गाइस, यहाँ पे हो रहा है, डी पे पहुँच गया। तो देखा गाइस, एसक्यूएल मैप ने सब काम को कितना इजी कर दिया। हमें कुछ कोई क्वेरी नहीं टाइप करनी, यहाँ पे सिर्फ इसको कमांड देनी है, ये एग्जीक्यूट अपने आप कर लेगा। गाइस अब आप सोच होंगे कि मैंने आपको ये टूल पहले क्यों नहीं बता दिया। गाइस अगर मैं आपको ये पहले टूल पहले बता देता तो आपको ये समझ में नहीं आता उसके बैक एंड में चल क्या रहा है, आखिर वो वर्क करता कैसे है। आप उसका मोटिव ये है, आपको मेरा मोटिव ये था, पहले आप ये देखें कि बैक एंड में होता कैसे है। अगर आपको ये नहीं पता बैक एंड में होता कैसे है तो आप किसी और को एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे। जैसे अगर आप किसी और को एक्सप्लेन करें वो तो अपनी क्वेरी रेज करेगा, वो तो बोलेगा ये तो आपने टूल में करके दिखा दिया, अगर हमें सिंपल मैनुअली करना तो कैसे करेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको पहले वो सिखाया, इसलिए मैंने आपको अब ये टूल शो किया। देखा जिसने यूजर नेम पासवर्ड टेस्ट टेस्ट शो कर दिया है, अपने यहाँ पे जाते हैं, साइन अप पे जाते हैं, यूजर नेम टेस्ट है, ये भी टेस्ट है। वाह भाई वाह, कमाल है। इसको एक बार लॉग आउट करते हैं, वापस से साइन अप करते हैं। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टेस्टिंग वेबसाइट है, तो आई थिंक हमारे अलावा यहाँ पे कोई देखे गाइस, यहाँ पे HTML की टैग लिखी हुई है। इस पेज का सोर्स पढ़े, देखिए गाइस यहाँ पे किसी ने इसके सोर्स कोड के साथ कोई छेड़खानी करी है। गाइस टेस्टिंग वेबसाइट है, कोई भी छेड़ सकता है इसको। तो देखा गाइस हमारा ये नहीं था, इसने हमें यूजर नेम और पासवर्ड निकालते विद इन 8 मिनट्स की वीडियो, विद इन 8 मिनट्स हम मैज्यूम करके चलते हैं, विद इन 8 मिनट्स हमने इसने पूरा वो मार दिया। और अगर मैनुअली करते तो गाइस 10 मिनट 15 मिनट लगती थी हमें। तो देखा गया गाइस एसक्यूएल मैप कितना हेल्पफुल है। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। सो सी इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।